अरे पैर पड़ना ये सहाबा की सुन्नत है, हाथ चूमना ये सहाबा की सुन्नत है, और मजारात पे जाना खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। एक शिर्क वो है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने शिर्क कहा है, और दूसरा शिर्क वो है जिसे मौलवियों ने बाजारू शिर्क बना लिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिसको शिर्क कहा है वो शिर्क की तारीफ सुन लीजिए। अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने का नाम शिर्क है। और इसको खुलासा करके समझा देता हूं। अगर किसी शख्स को, किसी जात को, किसी वली को, किसी पीर को, किसी पैगंबर को अगर आप खुदा समझते हैं तो यह शिर्क है, या हम उन्हें खुदा के बराबर समझते हैं तो यह शिर्क है, या हम उन्हें खुदा के जैसा समझते हैं तो यह शिर्क है। आप समझ गए? तीन चीजें हैं। कितनी? किसी को खुदा समझना, या खुदा के जैसा समझना, या खुदा के बराबर समझना, ये तीन शिर्क है। इसके अलावा कायनात में कोई चौथा शिर्क पैदा ही नहीं हुआ। अरे इतना बड़ा आपको हथियार दे दिया, ऐसा बुरा लाइट ले रहे क्या यारो? इसके अलावा चौथा कायनात में शिर्क बना ही नहीं। अब ये अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तारीफ है, जो हमारे सूफिया के जरिए से, उलमा के जरिए से, मुहद्दिसीन के जरिए से, मुफस्सिरीन के जरिए से, फुकहा के जरिए से 1400 साल बाद आने वाली उम्मत को नसीब हुआ है। अब जो मस्जिदों में खड़े होकर जाहिलों ने जो शिर्क बना लिया, दरगाह को जाना शिर्क, ये शिर्क जाहिलों का बनाया हुआ है। चादर चढ़ाना शिर्क, ये जाहिलों का बनाया हुआ शिर्क है। खुदा की कसम, कोई मौलवी 1400 साल की तारीख उठाकर यह साबित नहीं कर सकता कि चादर चढ़ाना शिर्क है, या फूल चढ़ाना शिर्क है, या दरगाह को जाना शिर्क है, या मजार को चूमना शिर्क है, या अल्लाह के महबूबों के सामने खड़े होकर दुआएं करना, कुरान पढ़ना, अल्लाह की राजी करने के लिए कुछ उससे मिन्नत और समाजत करना, यह शिर्क है। खुदा की कसम कोई साबित नहीं कर सकता। फिर आप कहें हजरत जो ढंडोरा चल रहा है ये क्या है, तो सुन लीजिएगा, ये एक ऐसी जिहालत है जो इस जिहालत के जरिए से इसको शिर्क का नाम देकर, ये फितना मचाकर तुमको दरगाहों से रोकना चाहते हैं, वलियों से दूर करना चाहते हैं, नबी की बारगाह से महरूम करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा अब अगर सुन्नियों को दरगाह से दूर करना है, वलियों से दूर करना है, नबियों से दूर करना है, किसी और लाठी की जरूरत नहीं, शिर्क वाली लाठी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बिचारी भोली भाली कौम ये मसले को समझ नहीं सकी कि शिर्क है क्या। अब हर बिचारा समझने लगा कि फूल चढ़ाने को शिर्क कहते हैं, हाथ चूमने को शिर्क कहते हैं, पैर पड़ने को शिर्क करते हैं, पेट में मुंडी डालने को शिर्क कहते हैं। नहीं नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। अरे पैर पड़ना यह सहाबा की सुन्नत है, हाथ चूमना ये सहाबा की सुन्नत है, और मजारात पे जाना खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर मजारात पे तशरीफ ले जाते थे, हुजूर तशरीफ ले जाते थे। मौलवियों को छोड़ दो, तुम हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की बात करने की जरूरत नहीं। आमिना का लाल जियारत के लिए कब्रस्तान तशरीफ ले जाता, अहादीस भरी पड़ी हुई है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत अमीर हमजा की जियारत के लिए मदीने पाक से जबले ओहद के दामन में तशरीफ ले जाया करते थे।
अहादीस भरी पड़ी है। नबी पाक अलैहि सलात व सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते और अस्हाबे बकी की ज़ियारत फरमाया करते थे। अहादीस भरी पड़ी है हुजूर पाक अलैहि सलाम जन्नतुल माला तशरीफ ले जाते, खुद अपनी जौजा खदीजतुल कुबरा की ज़ियारत फरमाया करते थे। मजारात पे जाना कोई नया काम नहीं है, दरगाहों को जाना, ये आइटम बम बना दिया बेटा, ये इसको ऐसा बना दिया, दरगाह को जाते शिर्क, दरगाह को जाते ऐसा पूछता आंखा फाड़ के, दरगाह को जाना नौज़ बिल्ला शिर्क नहीं है, दरगाह को जाना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजार अक़दस बनी तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद हुजूर के उस हुजरे मुकद्दस में रहती और सरकार की जियारत फरमाती, सरकार की जियारत फरमाती। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आपका विसाले मुबारक हुआ, आपकी कब्र अक़दस बनी गई, आपका मजार मुकद्दस बना गया, तो हजरत आयशा अपने वालिद की जियारत फरमाती, अपने वालिद की जियारत फरमाती। अब तीसरा या जो मसला है वो गौर करने का है, बाजू वाले जिसको लेके हुल्लड़ मचाते, ये पट्टे बहुत डेंजर है, बाजू वाले खतरनाक है, पिल्ले राय हुल्लड़ मचाते। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमाए और जब आपका मजार अक़दस बना गया, तो अब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जियारत के लिए तशरीफ नहीं आती, जियारत के लिए तशरीफ नहीं लाती, बोलो सुभान अल्लाह, बल्कि आपको दावत भी दी जाती तो आप मना कर देती। अब आप पूछिए क्यों, इन लोगों ने इससे मसला निकाला कि देखो हजरत आयशा खुद ज़ियारत नहीं कर रही, हजरत आयशा मजार पे नहीं जा रही, हजरत आयशा मजार पे नहीं जा रही। अरे नादान क्यों नहीं जा रही, पहले वो मसला तो सुन। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त तक तशरीफ ले जाती जब तक वहां सिर्फ हुजूर का मजार था, जब तक वहां उनके वालिद बुजुर्गवार का मजार था, लेकिन जब हजरत उमर का मजार बना, हजरत आयशा ने अब ज़ियारत के लिए उस हुजरे खास में, उस दरबार अक़दस में तशरीफ नहीं ले गई। क्यों नहीं ले गई, इसलिए नहीं ले गई कि ज़ियारत करना मना है, इसलिए तशरीफ नहीं ले गई क्योंकि हजरत आयशा का ये अकीदा था, हजरत उमर जमीन पर रहकर जैसे देखते हैं कब्र अक़दस से भी आने वालों को, वैसे ही देखते हैं। और आप चाहती थी कि हया न सिर्फ जिंदों से हो, पर्दा न सिर्फ जमीन पर रहने वालों से हो, हया तो पर्दा तो उनसे भी हो जो जमीन के अंदर भी रहकर देखते।